भले ही देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन घोषित हो गया हो, लेकिन भाई पवन सिंह है कि उन्हें पार्टी सूझ रही है। जी हाँ, पवन सिंह इन दिनों अपने ससुराल बलिया में हैं और वहाँ उन्हीं के ससुराल में उनकी पत्नी ज्योति सिंह के भतीजे का बर्थडे था और उनके बर्थडे में शरीक होने गए थे पवन सिंह। पवन सिंह ने वहाँ पार्टी की, अपनी पत्नी से मुलाकात की, साथ ही अपनी साली साले और अपनी सासू माँ से भी मुलाकात की। और वहाँ इन दिनों पवन सिंह के फैंस पवन सिंह से मिलने के लिए उतावले हो रहे हैं और पवन सिंह भी सभी से मिल रहे हैं। यहाँ पर हम आपको ये बात बता दें कि सरकार ने अभी पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया है और कहा है सार्वजनिक सभाएँ, जैसे कि पार्टी हो या फिर कोई भी ऐसी जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हों, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है। लेकिन पवन सिंह भाई इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं, जबकि वो देश के जागरूक नागरिक हैं, भाजपा के नेता हैं और तो और भाई 81 लाख रुपए कोरोना वायरस महामारी के चलते उन्होंने प्रधानमंत्री के कोष में जमा भी करा दिया है, फिर इतनी बड़ी लापरवाही। और तो और जो लोग बलिया में पवन सिंह से मिलने आ रहे हैं, पवन सिंह उनसे मिल भी रहे हैं। अब ऐसे में पवन सिंह का ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। सुनने में तो आया है कि पवन सिंह वहां पर बड़े ही करीबी लोगों के साथ थे, जैसे कि उनके ससुराल के कुछ लोग और एक आध बाहरी लोग। लेकिन भाई ऐसा करना ही क्यों, आपको तो पता ही है कि महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश की गंभीर स्थिति है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में यूपी बिहार के जो तिहाड़ी मजदूर हैं, जो कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में बसे हुए हैं, भाई किसी भी तरह वो अपने गांव पहुंच रहे हैं। अब ऐसे में ये समस्या तो यूपी सरकार के ऊपर है ही कि कोरोना वायरस और ना फैले, और ऐसे में अगर पवन सिंह इस तरह की पार्टी करते नजर आएंगे तो भाई कौन होगा जो इस चीज़ को सीरियस लेगा कि सरकार इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी पजेसिव है। यानी कि आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस का संक्रमण कितना खतरनाक है और यहाँ पर तो बड़े बड़े देशों के हाथ पैर फूल रहे हैं, इटली अमेरिका जैसे देशों के। तो हमारे यहाँ जहाँ संसाधनों की बहुत कमी है, वो कैसे जूझेगा। अब भाई जब पवन जैसी सेलिब्रिटी ऐसी हरकत करेगी तो लोग उनसे क्या सबक लेंगे। खैर, आपको ये बता दें कि पवन के कुछ करीबियों ने ये कहा है कि जिस तरह से इस बात को हुआ बनाया जा रहा है कि पवन सिंह बहुत सारे लोगों के साथ पार्टी में थे, जी नहीं, पवन सिंह बहुत सारे लोगों के साथ पार्टी में नहीं थे, बहुत करीबी लोग थे। खैर, ये सब बातें ठीक है, लेकिन पवन सिंह के उन करीबियों को ये चाहना जरूर था कि अगर पार्टी कर रहे थे तो पार्टी का वीडियो वायरल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपको बता दें कि पवन सिंह एक सेलिब्रिटी हैं, पवन सिंह जो करेंगे उन्हें देखकर उनके फैन उन्हें फॉलो करेंगे। सो प्लीज़ पहले तो ऐसा कोई काम ना करें जो कि जनहित में ना हो, और अगर कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों के लिए क्योर रहें। इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर खासकर इस वक्त तो अपलोड ना ही करें, क्योंकि इस वक्त जान है तो जहान है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना।